भाई साहब का इलाज हुआ है, मतलब कि कैंसर का ना, कैंसर का इलाज हुआ है, तो इस वजह से मास्क लगाए हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मास्क भाई साहब लगाए। जी जी, देखिए हमारे जनपद जौनपुर का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी की लगभग लोकसभा सीट जो है लगभग बराबर चली है। समाजवादी पार्टी भी दो बार यहाँ से चुनाव जीती है और एक बार 2009 में धनंजय सिंह वसवा से चुनाव जीते थे। लेकिन देखिए 14 के पहले देश की राजनीति और 14 के बाद देश की राजनीति बहुत अंतर आ गया है। अब लोग कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दूं? वह इस गांव का नागरिक होने के साथ साथ जिले का भी एक सम्मानित नागरिक हूं और बक्सा ब्लॉक का सबसे ज़्यादा छत्तीस समाज मैंदीपुर में रहता है। तो आपको बता दूँ भाजपा को इसलिए वोट हम लोग देते हैं और छत्तीस समाज नहीं, जो हमारे सारे समाज के लोग हैं इसलिए देते हैं कि 14 के पहले जब हम बैंकों में जाया करते थे तो एक गारंटर को लेके जाना पड़ता था कि हमारा खाता खुलवा दो और वह गारंटर का 501,000 रुपया लेकर खाता खुलता था। मोदी जी की देन है कि गारंटर दलाल बीच का मजौरिया खत्म करके एक गरीब आदमी चाहे जिस समाज का हो खाता खुलने का काम किया। आज जैसे मैं भी स्वास्थ्य कार्ड हमारे पास नहीं था लेकिन मैं सक्षम था, मैं इलाज कराया, लेकिन जरा उस परिवार से पूछिए जिनको 5 लाख का कवर बीमा मिला है, आयुष्मान कार्ड, उस परिवार से पूछिए। अभी हमारे वेदौली ग्राम सभा में एक हरिजन को हार्ट की समस्या आई, फिजिया में इलाज 5 लाख स्वास्थ्य कार्ड से हो गया। मेरे ही गाँव में कैंसर के पीड़ित हैं, आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज हुआ। मेरे अपने गांव में ही हमारे राकेश चौरसिया हैं, उनका हार्ट का सर्जरी हुआ। तो आज 5 लाख का मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिया, उस गरीब से पूछिए, उस गरीब परिवार से पूछिए जिनकी माताएं बरसात में लकड़ी ढूंढ के लाती थी और चूल्हा बना खाना बनाने काम करती। मोदी जी ने गरीबों को उसमें न छत्तीस देखा, न दलित देखा, न ओबीसी देखा, न मुस्लिम समाज देखा, वो हिंदुस्तान के हर नागरिक को जो स्वार्थ थे सबको उज्ज्वला देने का काम किया। जरा उस परिवार से पूछिए कि जब हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जलता था 14 के पहले, तो हम लोग यही भी चाहे वो धनंजय सिंह हो चाहे फारस नाथ यादव जी, आज हमारे बीच नहीं है, सभा के कैबिनेट मंत्री थे, हमारे बगल के बाबा दुए सभा के विधायक थे, जो एक खंभा टूटता था खंभा लाने के लिए हम लोग विधायक जी जाते थे और विधायक जी अगर एक खंभा दे देते थे गाँव में कालर आते थे कि हम एक खंभा और तार लेके आए हैं। योगी जी मोदी जी को बधाई देना चाहिए कि आज होल और तार गांव के चक्रोटों पर फड़ा हुआ है और ट्रांसफार्मर जलता है तो चंदा गांव में नहीं सूला जाता, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगता है। तो देखिए विकास की जो हमारी योजना है, अनाज उस परिवार से पूछिए ना, सम्मान निधि कुछ लोगों का कुछ फीडिंग के कारण नहीं आता था, आज लोग कहते हैं मोदी जी का पैसा आ गया कि नहीं आ गया। लोग कहते हैं 6,000 से क्या होगा, समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि मोदी ने 6,000 में क्या कर दिया, हमको रोजगार चाहिए, हमको 6,000 नहीं चाहिए। जरा उसको कौन बोलता है जो समाजवादी पार्टी के जमाने के वो काले बाजारी करके धन उगाही का काम किए हैं या बहुजन समाज पार्टी के धन उगाही के, वो ये कहते हैं। लेकिन जरा गरीब जनता सोचिए जो इंतजार करते हैं कि हमारा किसान सम्मान निधि आ गया मेरे खाते में। मोदी जी रोजगार वाली समस्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं भी एक गांव का किसान का बेटा हूं, मेरे गांव में आज भी 80% किसानी लोग करते हैं, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं छोटा मोटा रोजगार, मुद्रास्फीति लोन जो बैंक में एक जनता जाती थी तो लोन की क्या स्थिति थी, उसमें बैंक 6 महीने फाइल दौड़ाने का काम करता था, अब फाइल सड़ जाता था, लोन नहीं मिलता था। आज बैंक गाँव में घर आ करके लोन देने का काम करे कि आप बिजनेस करिए, नौकरी से नहीं देश आगे बढ़ेगा क्योंकि नौकरी हर सीमित है। हमारा देश का युवा रोजगार कैसे करे, रोजगार का मतलब सर्विस नहीं होता, रोजगार का मतलब आय का साधन। तो मोदी जी ने आय का साधन भी देश को देने का काम किया है कि हमारे देश के युवा भटकने न, हमारे देश के रोजगार मिले। सब छोटा चाहे वो छोटा लोग को कमेंट करते हैं कि भाई फकौड़ा बेच करके वेट करता है, समाजवादी पार्टी के लोग गरीब का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, जो हमारा फकौड़ा बेचने वाला गरीब भाई फकौड़ा चौराहे बेचता है इसका मतलब उसको आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई फकौड़ा बेचता है या कोई चाय बेचता है तो समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग उसका मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं कि चाय बेचने वाला है। अरे हम लोग तो गर्व करते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री चाय बेच करके उच्च पहुँचने का काम किया है।
अच्छा ठाकुर साहब, एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जब बीजेपी चुनाव जीती थी 2014 में, तो वो तो मोदी जी की लहर वाला चुनाव था, उसके बाद 19 का चुनाव फिर से हार गई जब मोदी जी की लहर धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तो मतलब आप तो कह रहे हैं बिल्कुल डाउन है मोदी जी की लहर। अभी यहाँ 19 के चुनाव में 14 हमारे यहाँ के डॉक्टर किशोर केसी जी चुनाव जीते थे और 19 के चुनाव उनको टिकट मिला, लेकिन सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद हम 14 में जितने ओर से जीते थे उससे 80,000 ज़्यादा मत पा के चुनाव हारे हैं। और रही सवाल जो आपने अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि पश्चिम में ठाकुर नाराज है, जरा याद करिए 2022 का चुनाव जब सपा और बसपा गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, सारे मीडिया चैनल सारे चट्टी चौराहों में हर जनमानस ये कहता था कि अब सपा बसपा कौन हराने वाला है, वो तो सपा बसपा गठबंधन हो गया। वही पश्चिम भारतीय जनता पार्टी की लहर चली और पूर्वांचल तक सीट ले ली। ये क्यों फेक न्यूज, उनके लोग एक गलत रूमर उड़ाने का काम करते हैं। वॉइस में भी यही लोग कहते थे सपा बसपा गठबंधन में कि सीट नहीं आ रही है, पश्चिम वाले नाराज हैं, लेकिन पूर्वांचल से ज़्यादा सीट वॉइस में पश्चिम से हमको मिला था। 19 में हमारा मोदी लहर खत्म नहीं हुआ, 19 से ज़्यादा लहर आज के डेट में है 24 में मोदी जी का, क्योंकि हमने जो विकास 19 में 14 किया था, जो 4 साल हमको और समय मिला उससे ज़्यादा हमने विकास किया। हमारे जौनपुर के हमारे वगर की सीट बनारस है, वो हमारा बनारस अटैच है। हमारे जो कृपा शंकर सिंह लोग कहते हैं वाहरी, यही हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर उनका निवास स्थान है, यही जैन इंटर कॉलेज पठन पाठन का कार्य करे हैं, यही हम लोग मुंबई जाते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ती थी तो एक पैर से वो लोग बेचारे खड़े रहते थे। अभी हमारा इलाज की बात थी, उन्होंने जा करके 24 घंटे के अंदर हमारा जो है इलाज करवाए और हमारी मदद किया था। भाई साहब का इलाज हुआ है, मतलब कि कैंसर का ना, कैंसर का इलाज हुआ है, तो इस वजह से मास्क लगाए हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मास्क भाई साहब लगाए। जी जी, और देखिए जहाँ तक लोग कहते हैं कि कृपा शंकर वाहरी हैं, आपको बता दूँ कृपा शंकर इस क्षेत्र के जब वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, हमारे यहाँ नदी उस पार जो सिकरारा उलाक है जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उस समय मोतीलाल वोरा यहाँ के राज्यपाल थे, एक कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री थे, आपके ही प्रयास से कंडी में फूल बनाने का काम किया। ये सड़क जो आप आए हैं विश्व बैंक से सड़क बनी है, उसमें स्वामी चिन्मयानंद गृह राज्य मंत्री थे, लेकिन कृपा शंकर जी ने भी मदद करके ये सड़क जो है 14 किलोमीटर वडलापुर से और सहोदरपुर तक विश्व बैंक से रोड बनवाने का काम किए थे। वही कृपा शंकर जी सहोदरपुर पावर हाउस, हमारे यहाँ मछली सर से लाइट आती थी, वही कृपा शंकर जी सहोदरपुर अपने गाँव के बगल पावर हाउस देने का काम किए। तब तो लोकसभा नहीं लड़ रहे थे, तब तो विधानसभा नहीं लड़ रहे थे, लेकिन क्षेत्र में आज देखिए हमारे क्षेत्र में चाहे हमारा यादव समाज हो, चाहे छत्तीस समाज हो, ब्राह्मण समाज, मौर्य समाज, जो भी है, हमारा जो 70 रूट है यहाँ तेजवार बेल्ट में। तो कह रहे हैं कि इस बार 9 वाला फिर से दोहराएगा मामला बसपा से, उस बार भी लड़े थे धनंजय सिंह, इस बार फिर से बसपा से लड़े हैं। इसके पूर्व में मैं मल्हनी विधानसभा का 10 साल प्रभारी रहा भाजपा का, और मैं 14 का भी चुनाव कराया हूँ, 17 का भी चुनाव जब सतीश सिंह और धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय धनंजय सिंह बसपा के सांसद से विधानसभा लड़े थे, उनका 13 रुपये हवा भी था। लेकिन मैं बता दूँ कि सतीश सिंह 39,700 कुछ मत भाजपा पाती है और 44,000 कुछ धनंजय पाते हैं, और वहाँ से फारसनाथ यादव जो है चुनाव जीते हैं मल्हनी से। 19 के चुनाव में हम 86,000 मल्हनी विधानसभा में हम लोकसभा में वोट पाते हैं, जो लोग कहते हैं मल्हनी उनकी है मैं नहीं मानता, 86,000 19 के चुनाव में हम मल्हनी विधानसभा से भाजपा के वी सिंह पाए थे, तो कैसे मान लूँ कि वो लहर है। देखिए इस समय जनता बहुत चनाक है, हमारे आपके संबंध है, भाई रिश्तेदारियाँ हैं, आप आ गए दरवाजे बैठ गए, मैं आपको चाय पानी करा, अरे ठीक है भाई साहब मैं आपको देख लूँगा, लेकिन वोट सब अपने हित की बात कर रहे हैं, अपना हित। देखिए राष्ट्र हित सरोवर आज हम लोग भाजपा क्यों साथ देते हैं, छत्तीस समाज इसलिए साथ देते हैं कि छत्रियों का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, चाहे अंग्रेज के ज़माने में चाहे मुगलों के राज में, छत्रीय समाज हमेशा देश के आन के लिए आगे अग्रसर भूमिका निभाया है। भाजपा की दो नीत छत्रियों को पसंद आती है, एक हमारा राष्ट्र सरोवर भारत माता की जय, दूसरा सनातन जिंदाबाद। तो भाजपा दो नीतियों पर जो काम किया, जो दीनदयाल जी ने भाजपा का स्थापना किया था इसी मुद्दे किया था, हम देखिए क्षत्रिय ब्राह्मण ठाकुर नहीं, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम सनातन की राजनीति करते हैं,
जो ठीक है आज उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण चलता है, इसके तहत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग करते हैं, लेकिन भाजपा कभी जाति राजनीति नहीं करती। हम अगर राजनीति करते हैं सनातन की राजनीति करते हैं, हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। राष्ट्र हमारा आज अफगानिस्तान में युद्ध हुआ होगा, देखे होंगे हेलीकॉप्टर का पहिया पकड़ करके उद्योगपति भाग रहे थे। आज हमारा देश अगर कमजोर होगा, ये रुपया पैसा धन दौलत किस काम का, तो इसलिए हम वो गलती अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमने गलती किया था, एक को से हमारी सरकार गिर गई थी। अब छत्तीस समाज जाग चुका है, वो गलती नहीं करेगा कि एक कोर्ट की समस्या उत्पन्न हो, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह चुनाव जीतेंगे। सुनील सिंह जी थे, इनको अब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब कि इलाज भी हुआ है तो ज़्यादा बोलने पे प्रॉब्लम होगी। तो ये गांव का ट्रैक्टर भी चल चुका है, क्योंकि इस समय खेती वाला कटान वाला सीजन चल रहा है, तो इस वजह से लोग ग्रामीण इलाके के लोग हमेशा मतलब जो अन्न बोते हैं उसी से पूरा देश खाता है, पेट भरता है, तो उसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। और मतलब आम पब्लिक से भी बातचीत कर रहे थे और जो समझने की कोशिश कर रहे थे क्या वाकई में इस बार ठाकुर समाज नाराज़ है क्या बीजेपी से, तो ये तमाम सारे लोगों ने बताया कि ये गांव भी छत्री बाउल गांव है, यहाँ पर आइए आप और हमारे गांव के लोगों से बातचीत कीजिए, आपको बताएंगे कि छत्री समाज क्या कुछ आता है। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही।